हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे चोट लगने पर यदि दर्द हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए आप केले के जड़ का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और केले की जो जड़ होती है वो काफ़ी कारगर है इस तरीके के दर्द को दूर करने में। फ्रेंड्स, यदि चोट लग जाती है तो काफ़ी रक्त भी बहने लगता है, खून बहने लगता है, तो उसको भी रोकने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके इन्फेक्शन से बचने के साथ साथ इसके दर्द को भी दूर करने में केले की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी कारगर है क्योंकि केले की जो जड़ होती है वो दर्द को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। केले की जड़ दर्द से भी राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। केले की जो जड़ होती है उसमें टैनिन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि घाव या चोट के दर्द को कम करता है। इसके साथ ही चोट लगने के दौरान यदि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है और इसे आप रोकना चाहते हैं तो रक्तवाहियों को बंद करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्फेक्शन को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि हम केले की जड़ की बात करें तो ये कई तरीके के संक्रमण को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और आयुर्वेद में भी एक ये गुणकारी औषधि के रूप में काम करती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको या आपके बच्चे को किसी को भी चोट लग जाती है तो आप उस समय केले की जड़ का प्रयोग कीजिए। ये उसके दर्द को तो दूर करेगा ही, साथ ही जो खून बहने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, और उससे होने वाले आगे जाकर जो संक्रमण हो जाते हैं चोट पर, उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसके संक्रमण को भी ये रोकेगा। तो आपको केले की जड़ लेनी है, उसकी जड़ को आप ले लीजिए और अच्छे साफ पानी से धो लीजिए, और इसे कूटकर या पीसकर आप उस जगह पर, चोट वाली जगह पर लगा दीजिए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और ये काफ़ी अच्छा तरीके से आपके लिए दर्दनाशक के रूप में काम करेगा, और आपके जो चोट का दर्द है उसको दूर करने के साथ साथ इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।